अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया ज़ीशान। नाज़रीन, 21 मई के नौशकई ड्रोन हमले के तनाजुर में पैदा हुई पाक अमरीका कशीदगी के बाद इस्लामाबाद आने वाले अमरीकी वफ्द को आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने दो टोक अल्फाज में बता दिया है कि आइंदा पाकिस्तान की हदूद में अगर कोई ड्रोन हमला हुआ तो पाकिस्तान अपनी तमाम तर ऑप्शन इस्तेमाल करेगा, जिसमें अब तजियाकारों के मुताबिक ड्रोन को गिराए जाने की ऑप्शन भी शामिल है। याद रहे कि साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ के ज़माने से शुरू होने वाले अमरीकी ड्रोन हमलों के खिलाफ ये पहली बार है कि अमरीका को खुलकर बताया गया है कि पाकिस्तानी सरजमीन पर हमलावर ड्रोन को गिराया भी जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये दो टोक जो मौकफ़ है, ये हमारी जो मुंतखब हुकूमत है, इसने क्यों नहीं अपनाया? हुकूमत ने इस हमले पर अमरीका के सामने मजम्मत ज़रूर की है, लेकिन क्या खाली मजम्मत करने और कोई लाहे अमल देने से अमरीकी ड्रोन हमले रुक सकते हैं? क्या हुकूमत का ये काम नहीं था कि वो आर्मी चीफ की तरह मुल्ला फजलुल्लाह को अफगानिस्तान में निशाना बनाने का मुतालबा करती? क्या हुकूमत और फौज की जानिब से अमरीकी वफ्द को अगर मुत्तहद ये पैगाम जाता तो क्या इसका ज़्यादा असर ना होता? याद रहे कि आर्मी चीफ ने नौशकई ड्रोन हमले के बाद वाज़ह अल्फाज में कहा था कि इन हमलों पर मजम्मत का लफ्ज़ बहुत ही मामूली है। क्या हुकूमत को भी अमेरिका से ऐसे ही लहजे में अब बात करने की ज़रूरत है ताकि 20 करोड़ आवाम के एटमी ताकत के हामिल मुल्क की खुद मुख्तारी को आइंदा यूं रौंदा ना जा सके? क्या खाली मजम्मत इस बड़े मसले को हल कर सकती है? इस पर आज हम बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे पनामा लीक्स की, जिस पर बनी पार्लियामानी कमेटी का 7वां इजलास भी बेनतीजा साबित हुआ है, जिसके बाद हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मौजूद डेडलॉक अब सियासी बहरान की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। दो हफ्ते की मुद्दत के लिए बनी इस कमेटी की अब तो मुद्दत भी खत्म हो चुकी है, लेकिन सियासी क्यादत की जानिब से मुश्तरका टीआरएस पर मुत्तफिक होना इतना ही मुश्किल हो रहा है जितना कोई हमालिया को सर करना। हुकूमत का यह मौकफ है कि अपोजिशन में मौजूद एक मखसूस माइंडसेट है जो इस कमेटी को नाकाम बनाने पर तुला हुआ है ताकि वो सड़कों पर निकलकर एहतजाजी सियासत शुरू कर सकें। क्या हुकूमत का इशारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब है, जबकि अपोजिशन का कहना है कि हुकूमत इनके टीओआरस को मानने को ही तैयार नहीं है? शाह महमूद कुरैशी अब कहते हैं कि अब कमेटी में बैठना बेसूद है। कुरैशी साहब के इस बयान के बाद अपोजिशन जमातों में आइंदा इजलास में शिरकत के लिए इख्तलाफ नजर आ रहा है, लेकिन अब सवाल यह है कि होगा क्या? क्या इमरान खान पहले ही जो इवामी तहरीक चलाने के लिए अपनी पार्टी इंतखाबात मुलतवी कर चुके हैं, जबकि बिलावल भुट्टो भी पार्टी को ईद के बाद अब सड़कों पर निकलने की तैयारी करने की हिदायत कर चुके हैं, क्या अपोजिशन के एहतजाज के पेश नज़र ईद के बाद जुलाई और अगस्त का जो महीना है ये हुकूमत के लिए वाकई मुश्किल साबित हो सकता है, और क्या हुकूमत इस एहतजाज से निमटने के लिए किसी ऑप्शन पर गौर कर रही है? अहम सवाल ये भी है कि क्या इस एहतजाज में अपोजिशन पार्टियां यकजा रह भी सकेंगी या नहीं, क्योंकि इमरान खान माजी में आसिफ अली जरदारी पर शदीद तनकीद करते रहे हैं, ये सब जानते हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी तहरीक इंसाफ की जो बास पॉलिसीज हैं इसकी बड़ी नाकद नजर आ। आखिर ये सियासी सूरत हाल जा कहाँ रही है? इस पर आज हम बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ जफर हिलाली साहब कराची स्टूडियोज में हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो से डॉक्टर शाहिद मसूद साहब हमारे साथ हैं, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब मौजूद होंगे। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आर्मी चीफ ने जो स्टेटमेंट दी है ड्रोन हमलों पर, इतनी कैटेगोरिकल स्टेटमेंट पहली बार हमारे सामने आई है, खासकर आर्मी चीफ की जानिब से। सियासी क्यादत की जानिब से इतना जारहाना रवैया हमने कभी नहीं देखा। हाँ, अगर देखा है तो सिर्फ लफाजी मजम्मत ही देखी है। कितनी इम्पॉर्टेंस है अमरीकियों को बराह रास्त मैसेज देने की जो आर्मी चीफ ने दिया है ड्रोन हमलों को लेकर? देखें शाजी, पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरियत है, और जो फौज जो है हमारी या किसी भी मुल्क की फौज, वो ये उसने ऐसी ही बात करनी होती है जब वो किसी सामने की फौज के लोगों से बात करें, और फौज के लोगों से उनको बात करनी चाहिए। बदकिस्मती पाकिस्तान में इस वक्त ये है कि हमारी जो जमहूरी हुकूमत है वो ये तो बाद की बात है ना कि वो बात क्या करेंगे, पहले तो कोई पॉलिसी होगी, पहले तो अल्फाज का चुनाव होगा, पहले तो कोई बंदा होगा, वो बंदा कहाँ से आएगा, वो कहाँ पैदा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर पॉलिसी बनाएगा, फिर लिखेगा, फिर सोचेगा, फिर वो बात करेगा ना। मसला ये है कि जो इस खित्ते के, जिस इस इलाके के जो हालात हैं वो मिनट टू मिनट बदल रहे हैं, हर घड़ी तब्दील हो रही है सूरत हाल, और इस सूरत हाल में ये कोई पहला मौका तो नहीं है कि ये ड्रोन का मसला हो गया। इससे पहले
आपको याद है चारसदा का वाकया हुआ था, उससे पहले आपको याद है और वाकयात हुए थे, कुलभूषण यादव अभी तक हमें कुछ नहीं पता कहाँ गया है। जो अमेरिकन हैं उनको कुलभूषण यादव की फिल्म भी दिखाई गई है गालिबन, उनको बिठा के ये भी बताया गया है कि वहां पर फजलुल्लाह मौजूद है अफगान सॉइल पे, और भी बहुत कुछ बताया। बात यह है कि सारा काम किसका है, ये आर्मी चीफ का काम ही नहीं है, ये काम है आपकी मुंतखब हुकूमत का, ये काम था आपके वजीरे, ये काम था अगर आपके कोई वजीर खारजा होते, आपके इस वक्त जो वजीर खारजा नहीं है वो मुशीर खारजा हैं, एडवाइजर्स हैं, अनइलेक्टेड लोग हैं, और उनकी अपनी कोई स्टैंडिंग नहीं है, उनकी अपनी अपनी इंटरेस्ट भी मुल्क से बाहर है। प्रॉब्लम ये बदकिस्मती, और ये उस वक्त हो रहा है सारा कि आप देखें अशरफ गनी, यानी अशरफ गनी एक वो बीमार है इस वक्त, उनकी हुकूमत मुस्तहकम नहीं, उनकी डिप्लोमेसी हमसे तेज है, मोदी को तो आप छोड़ दें, उनकी डिप्लोमेसी हमसे तेज है। तो बदकिस्मती से ये जो हम बात कह रहे हैं ना कि दो टोक बात की आर्मी चीफ ने, बात ये कि किसी ने तो करनी थी, जब ये बात मैं कहने जा रही हूं, अगर सियासी हुकूमत नहीं करेगी तो जाहिर है फौज को तो करनी पड़ेगी, नहीं कोई कोई ना कोई किसी को तो बात करनी है ना। आप देखें अगर आपके मुल्क पे आके, यानी आज तो उन्होंने ड्रोन किया है, फर्ज करें कोई और बड़ी जंग छिड़ जाए इस वक्त, कोई बहुत बड़ी जंग छिड़ जाए, अल्लाह ना करे आपके मुल्क की कोई और आपको सिक्योरिटी थ्रेट और मामलात हो, कौन बात करेगा? यानी जब मैं वजीरों को सुन रहा हूं, या तो वो दुआएं कर रहे हैं अपने कायद के लिए, जो कि हम भी कर रहे हैं, अल्लाह ताला जल्दी सेहत दे उन्हें, या वो गालियां दे रहे हैं दूसरों को, एक दूसरे को, या वो, यानी किसी को परवाह है कि न्यूक्लियर सप्लाई, इनको नाम पता है कि न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप क्या है, उसका इजलास कहां हो रहा है, इनमें से किसी को दिलचस्पी है इसहाक डार साहब को या किसी भी और वजीर को, ख्वाजा आसिफ साहब को, किसी को इल्म है कि क्या हो रहा है रीजन में, किसी को इल्म है कि मैक्सिको क्यों गए थे मोदी साहब? यानी जब आपकी प्रायोरिटीज ही डिफरेंट हैं, आपके मकासद ही अलग हैं। जब अमरीका ने सपोर्ट किया इंडिया को, तब इन्हें जरूर याद आया सरताज अजीज साहब को दूसरे ममालिक को हिमायत के लिए फोन करना, तब इन्हें जरूर याद आया। जफर हिलाली साहब, सरताज अजीज साहब को भी कब याद आया? सरताज अजीज साहब को भी तब याद आया जब जीएचक्यू में मीटिंग हो गई, बिल्कुल, जब जीएचक्यू में बुला के वहां पर ब्रीफ कहा गया कि आप ये कुछ तो करें, कुछ तो करें, कुछ फिर उसके बाद सरताज अजीज साहब को याद आया। उससे पहले तो सरताज अजीज साहब की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी थी या किसी और की, वो तो उसके बाद हुआ सारा कुछ। तो बात ये है कि कितने दिन हो गए उस हमले को, ड्रोन हमले को जो बलोचिस्तान में हुआ था, और देखें हुआ भी था या नहीं था, क्योंकि चौधरी निसार तो कुछ और कह रहे हैं, और चौधरी निसार तो कह रहे हैं कि ड्रोन बाहर था और बाहर से उन्होंने कोई मिसाइल मारा था, पता नहीं। चौधरी निसार का बयान ही कुछ और है और सरताज अजीज कह रहे हैं कि हम ड्रोन हमलों की मुज़म्मत करते हैं। जफर इलाही साहब, अभी तक ये हुकूमत ठीक है। जफर इलाही साहब, कितनी इंपॉर्टेंस है आर्मी चीफ के इस मैसेज की डायरेक्टली जो उन्होंने अमरीकी वफ्द को दिया है? देखिए ये मैसेजेस तो हम शायद पहले भी सुनते रहे हैं, बिल्कुल आपने सही कहा, ये पहले दफे है जो आर्मी चीफ ने कहा है, और इंशाल्लाह ये इस पे अमल होगा। मगर आपसे मैं मेरिट्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा बताना चाहिए, क्या मेरिट्स हैं, ये ड्रोन के बारे में कंट्रोवर्सी क्यों आई है, क्या कह रहे हैं अमेरिकन? देखिए जी, अमेरिकन तो ये कह रहे हैं कि जब तक आप अफगान तालिबान जो पाकिस्तान में पनाह लिया है, जब तक आप उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे और जब तक वो इधर से अफगानिस्तान को अटैक करते रहेंगे, तो हम जो है हम ड्रोन्स भेजते रहेंगे और पाकिस्तान में भी बेशक। हमारा क्या जवाब है? हम कहते हैं कि भाई थोड़ा सा तो सोचो कि ये जो बॉर्डर है हमारा, ये पोरस बॉर्डर है, 30-40 हज़ार लोग रोज आते हैं, इसके अलावा ट्राइबल लिंकेजेस हैं, उसके अलावा हमें नहीं पता ये 30-40 हज़ार जो आते जाते हैं इनमें से कौन एंटी गवर्नमेंट, एंटी काबुल हो, प्रो काबुल हो, हमें नहीं पता ये ट्राइबल लिंकेजेस में किस भाई एक तरफ जो ट्राइबल एरिया का दूसरे तरफ जाता है क्या उसके लिंकेजेस हैं, ये हमें इट्स इम्पॉसिबल फॉर अस टू फाइंड आउट। और हमें एक और चीज नहीं पता है कि ये जो 3 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज हैं, कितने इनमें से आपके साथ हैं और कितने आपके खिलाफ हैं। मगर इसके अलावा हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि टीटीपी को जो आप पनाह दे रहे हैं अफगानिस्तान में, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? और आप जो मुतालबा चीफ ने किया कि मुल्ला फजलुल्लाह बैठा है अफगानिस्तान पे, वहां पर ड्रोन अटैक क्यों नहीं करते? आज पहली बार हमारी तरफ से भी ड्रोन का मुतालबा हो गया। बिल्कुल शाजिया, हमारा आर्ग्यूमेंट ये है कि जब तक तुम फजलुल्लाह को उधर रखते हो, उसको ऑपरेट करने देते हो फ्रीली, जब तक आप
रॉ को रखते हैं और एनडीएस को रखते हैं और उनको इजाजत देते हैं कि पाकिस्तान में आके डिस्टेबलाइजेशन और असैसिनेशन मिशंस में आए। हमारा क्या इंसेंटिव है कि हम हक्कानी तालिबान को रोकें? और दूसरी बात, क्या गारंटी है अगर हमने सब चीज किया जो आप कहते हैं, कल आप आके फिर ना कहते हैं कि जब तक तुम शकील अफरीदी को नहीं छोड़ोगे हम ये सब चीज हमारा चलता रहेगा। बात असल ये है शाजिया, ये फॉल्स आर्ग्यूमेंट्स हैं, अगर माफ करिए, ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ये पेपर आर्ग्यूमेंट्स हैं। असल रियलिटी ये है कि अफगानिस्तान में अमरीकन नहीं छोड़ना चाहते हैं। भाई क्यों छोड़ें? 10,000 लोगों के साथ उन्होंने काबुल को फतह से बचा दिया है। माने अमरीकी फौज को अमरीकी सदर ने वहां पर मजीद इख्तियारात दिए हैं, जिसकी वजह से लग रहा है कि जो तालिबान के साथ मुज़ाकरात का एक ऑप्शन था वो बिल्कुल ही खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे ब्रेक लेने दें, ब्रेक लेने दें, नाज़रीन वापस आते हैं, छोटे से वक्त हमारे साथ रहे। ब्रेक के बाद खुशामदीद, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर लेफ्टिनेंट जनरल मोहिद्दीन हैदर साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, हम बात कर रहे हैं कि आर्मी चीफ की जानिब से जो दो टोक अल्फाज में कहा गया है कि अगर अब ड्रोन अटैक पाकिस्तान में किया गया तो हम किसी भी ऑप्शन पर जाएंगे, किसी भी हद तक जाएंगे, और साथ ही ये कहना कि अफगानिस्तान में मुल्ला फजलुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जाहिर है अमरीका आज तक हमसे डूमोर का मुतालबा करता था, पहली बार ये मुतालबा हमारी जानिब से किया गया है। तो इस सारे रवैये के बाद आप समझते हैं पाक अमरीका ताल्लुक में जो कशीदगी चल रही है ये मजीद बढ़ेगी या कम होगी इस रवैये के बाद? जी हाँ, फिलहाल तो कशीदगी चल रही है और ये उतार चढ़ाव पाक अमरीका रिलेशन में आते रहते हैं। और इनके जो तीन आदमियों का ये वफद यहाँ आया था उसका मकसद भी यही था कि इस कशीदगी को कम किया जाए और वर्किंग रिलेशनशिप कायम किया जाए। और ये अच्छी बात है कि सरताजी साहब और राइस दोनों ने बहुत दो टोक बात की है उनके साथ और कहा है कि कोई ड्रोन हमला अगर हुआ तो वो हमारी कशीदगी को बहुत बढ़ा देगा और हम कोई भी ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बिल्कुल जायज डिमांड है, जब हमसे कहते हैं कि हक्कानी के खिलाफ ये करो, फलाने के खिलाफ ये करो, तो हमारी भी बिल्कुल जायज डिमांड है कि हमारे दुश्मन आपके इलाकों में जो बैठे हुए हैं आप उनको क्यों नहीं टारगेट करते? तो ये भी आप उनके ऊपर उनसे ये बात कह देना और ये बात तकाजा करना बहुत मुनासिब है मेरे ख्याल से। तो अब अमरीका समझ जाएगा या नौबत अब ड्रोन गिराने तक भी आ सकती है? अमरीका बिल्कुल नहीं समझेगा, अमरीका वही कुछ करेगा जो अपने मफाद में समझेगा, और लेकिन उस पर कुछ ना कुछ असर जरूर पड़ेगा मेरे ख्याल से ये जो बातें उठाई गई हैं उससे। सही जनरल साहब, 15 साल पहले अमेरिका ने जो ताकत का इस्तेमाल अफगानिस्तान में किया हम सब जानते हैं, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। एक बार फिर से अमेरिकी सदर की जानिब से अमेरिकी फौज को एक बार फिर से वसीतर इख्तियारात देना, तो क्या पीस प्रोसेस की कहानी को खत्म समझा जाए, एक बार फिर से तालिबान के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा? मेरे ख्याल से अभी पीस को थोड़ा उन्होंने बैक बेंच पर डाल दिया है, तो इसका कोई नतीजा निकलेगा पीस प्रोसेस का? क्या निकलेगा नतीजा? पहले जब इतने ही वहां पर 1.5 लाख फौज थी, जब नहीं निकला तो 10,000 फौज से क्या नतीजा निकलेगा? ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहिद्दीन हैदर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जो बात मैं जनरल साहब से पूछ रही थी कि पीस प्रोसेस को इन्होंने खत्म करने का जाहिर एक इंदिया दिया है, अमरीकी फौज ने को वसी तरह इख्तियारात दिए जा रहे हैं अमरीकी सदर की जानिब से, तो ये ताकत का इस्तेमाल क्या पाकिस्तान पर इसके असरात पड़ेंगे? देखिए शाजिया, बुनियादी बात क्या है, ये सारी पीस टॉक्स, ये सारे मामलात, ये हक्कानी नेटवर्क, ये बुनियादी बात ये है, बुनियादी बात कि अमेरिका एक जंग हार चुका है, ठीक है ना? और मतलब है कि उन्होंने अपना जो रिकॉर्ड है जंगे हारने का पूरी दुनिया में उसको मेंटेन रखा है, उसको तोड़ा नहीं है। एक ही जंग उन्होंने जीती थी आज तक, वो पाकिस्तान की मदद से जीती थी सोवियत यूनियन के खिलाफ, बाकी वो जंगों का जो रिकॉर्ड, कहीं उन्होंने एटम बम गिरा दिया, कहीं बाकी कुछ कर दिया, वो अलग कहानी है। लेकिन बात यह कि जंग हार चुका है अमेरिका। अच्छा, अब मसला यह है कि वहां जीता कौन है? जीता कोई भी नहीं है। अफगान वहां पे बेशुमार लोग मारे गए हैं, गोरिला वहां पे वॉरफेयर जारी है, वहां पे लैंड लॉर्ड, वहां पे करप्शन या सिस्टम, ये सिस्टम जो बना है वहां सो कॉल्ड, जरा सा अमेरिकन पीछे हटे, बाकी लोग पीछे हटे, आप देखें बिल्कुल वही होगा, अल्लाह ना करे, जो कि 90 के अंदर हुआ था, यानी गर्दनें काट दी थी एक दूसरे ने, वॉरलॉर्ड लड़ पड़े थे आपस में। बात यह है कि अब इसका मलबा किस पे गिराया जाए? उस वक्त तो यह हुआ था कि अमेरिका यहां से निकल गया,
देखिए ना, अमेरिका निकल गया, सोवियत यूनियन भी निकल गया, दोनों निकल गए थे ना। फिर मुझे बताएं उसके बाद क्या हुआ। हम कहते हैं ना प्रॉक्सी वॉर थी दोनों की, उसके बाद क्या हुआ, आपस में खाने जंगी हो गई शुरू, इसने उसको मारा, उसने उसको मारा, आखिर में तालिबान निकल के आ गए। बात यह है कि आज अफगानिस्तान ऐसी जगह पे खड़ा है, आप पाकिस्तान को हटा दें, अमेरिका निकाल दें, इंडिया निकाल दें, उसके बावजूद भी वहां जंगी होगी। वहां पर अगर पीस चाहिए, अगर इन्होंने सीरियसली दुनिया ने पीस को वहां पर कायम करना है, विच आई डाउट कि वहां अमन नहीं चाहते लोग अब तो ये गालिबन चाहते हैं कि वहां जंग छिड़ी रहे, वहां कोई ना कोई मरता रहे, और जैसे ही कोई अमन की बात होती है तो उसके अंदर एक कभी एक मुल्क, कभी दूसरा मुल्क, कभी मुल्ला उमर की खबर लीक हो गई, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, वो उसको सब उदास कर देते हैं। तो मुझे तो ये एक कंसर्न जितना अपने एक पाकिस्तानी होने पे इशारा है, किसकी तरफ कर रहे हैं, कौन नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में पीस प्रोसेस चलता रहे, ये इशारा किसकी तरफ कर रहे हैं डॉक्टर साहब, कौन नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में पीस प्रोसेस ना हो। नहीं, अफगानिस्तान में पीस प्रोसेस नहीं होती, आपके आपके ख्याल से अमेरिका को सूट करता है वहां से निकल जाए, किसके हवाले करके जाए। देखिए ना, अब इंडिया ये समझ रहा है कि हमें देके चले जाए, हमें पट्टे पे लेके चले जाए, आप जाए जी हम यहाँ करेंगे, क्या ये मुमकिन है? क्या ये तो वही सूरत हाल हो गई ना कि नॉर्दर्न अलायंस को बिठा दें आप लाके। देखिए ना, फिर अमेरिका इन्वेड ही ना करता, फिर तो अगर ये यही सूरत हाल बननी थी तो 2001 में वहां नॉर्दर्न अलायंस तो बैठा हुआ था, उनको सपोर्ट करते अमेरिकन और सपोर्ट करके इंडिया की मदद से वहां पे तालिबान को हटा देते, अमेरिकन खुद क्यों बैठते। इंडिया जो सोच रहा है कि हमें यहाँ का पट्टे में मिल जाएगा और ठेका पूरा अफगानिस्तान का हमें मिल जाएगा, इससे ज्यादा बेवकूफी की बात ही नहीं जो मोदी साहब सोच रहे हैं। अमेरिकन से खुद बैठने उनके अपने इंटरेस्ट है, या चाइना आ गया है यहाँ पर, साउथ चाइना के ऊपर जो डिस्प्यूट चल रहा है अभी शंग्रीला डायलॉग में, पता नहीं कितने लोगों ने पाकिस्तान में फॉलो किए, जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर और अमेरिकन डिफेंस मिनिस्टर चाइनीज के दरमियान जो झड़प हुई है वहां। बात यह है कि ये पूरे रीजन का अमेरिका क्यों जाएगा यहां से, यहां सीपैक बन रहा है, चाबहार बन रही है, बाकी मामला उनके अपने इंटरेस्ट है। अब तो एंटर रशिया भी होगा कुछ महीनों के बाद, रशियन एंटर होंगे, तो इस पूरी सूरत हाल में अब वो मलबा पाकिस्तान पे, पाकिस्तान पर इसका क्या इंपैक्ट होगा, मुझे एक बार बताने दें। जी जी जी, सबसे पहले क्या था, उसामा बिन लादेन, उसामा बिन लादेन खत्म हो गया तो सुकून हो गया मशरिक वस्ता में या अफगानिस्तान में, मुल्ला उमर नहीं है तो सुकून हो गया, बदकिस्मती के साथ ये जंगे इस तरह नहीं खत्म होते। सही, ठीक जी, जफर अली ज़रकावी, सद्दाम हुसैन, इराक स्टेबलाइज हो गया, जफर अली साहब मेरा ख्याल है बड़ी ताकतों को अमेरिकन को अपनी शिकस्त, अपने हमारी अपनी गलतियां हैं पाकिस्तान की, जफर अली साहब अमेरिका को अपनी गलतियां देखनी चाहिए, वो उनकी उन्होंने जंग लड़ी, जंग हार गए, सीधा सीधा इतराफ करें भाई आप जंग हार गए। मैं हिलाली साहब से भी, आप ले लें ब्रेक, नहीं नहीं राजी साहब आप बात करें पहले। देखिए मैं ये कहने वाला था मगर आपने रोक दिया पहले ब्रेक के पहले, कि जब 10,000 ट्रूप्स के साथ एक पूरा मुल्क अमेरिका कब्जा कर सकता है और उस मुल्क में पाकिस्तान और चीन पे आंख निगाह रख सकता है, उस मुल्क में स्पेशल फोर्सेस वो पाकिस्तान के अगर खुदा ना करे हथियारों को सीज करना हो वो भी उधर मौजूद हैं, अगर उधर डिस्टेबलाइज बलूचिस्तान को कर सकते हैं, सीपेक को रोक सकते हैं, ग्वादर को ख़त्म कर सकते हैं या ग्वादर की प्रोजेक्ट को मुश्किलात में ला सकते हैं, जिधर एक बैटलफील्ड हो, जिधर वो अपने वेपन्स को टेस्ट कर सकते हैं, नए वेपन्स को, जिधर उनके थियरीज वो टेस्ट करते हैं, और ये सिर्फ 10,000 लोगों के साथ, तो क्यों अमेरिका कभी छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा अफगानिस्तान को। अगर आप अमेरिका को अफगानिस्तान से निकालना चाहते हैं, लोग आपको अफगान तालिबान को पूरी हिमायत करना पड़ेगा, और अगर आप नहीं करना चाहते दैट्स फेयर इनफ, पाकिस्तान के पास एक ऑप्शन है कि आप चाहते हैं अमेरिका हो। पहले तो हम बहुत शोर कर रहे थे कि अमेरिका जा रहा है हाय हाय, अब अमेरिका नहीं जा रहा है, अब फिर हम शोर कर रहे हैं कि हाय हाय, इसलिए कि जब तक अमेरिका होगा अफगानिस्तान में अमन नहीं आएगा, जब तक अफगानिस्तान में अमन नहीं आएगा पाकिस्तान में अमन नहीं आएगा। हमारी पॉलिसीज बड़े शॉर्ट साइटेड हैं जी, हमारा क्या एक्चुअल एम है, हिंदुस्तान को निकालो, ये ग्रीन कार्ड होल्डर्स जो इस वक्त अफगानिस्तान में काबुल में रेन कर रहे हैं इनको निकालो और वो लोगों को आने दो जो सबसे बड़ा और ताकतवर अक्सरियत है अफगानिस्तान में। अगर उनका नाम तालिबान है टू बैड, आप तो नहीं खुदा के लिए अमरीकनों के पिट्ठू बनके उनके साथ लड़ते रहे, और
अगर आपको ये सब की चीजें के लिए स्ट्रेंथ नहीं है, यूनिटी नहीं है, रिजॉल्व नहीं है, तो फिर आप भुगते हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, गिद्ध पाकिस्तान के ऊपर गोल गोल फिर रहे हैं। कौन सा गिद्ध? हिंदुस्तान का गिद्ध। ये मेरे पास रखा हुआ है, एक पूरी थियरी निकली है कि पाकिस्तान के टैरिफ्स खत्म करो बाय स्मगलिंग, पाकिस्तान की राइस एक्सपोर्ट्स खत्म करो बाय लोअरिंग द प्राइस, सब्सिडाइज इंडियन राइस, पाकिस्तान का पानी खत्म करो बाय बिल्डिंग मोर डैम्स। क्या हम लोग ये समझ नहीं रहे? और ये लोग क्या कर रहे हैं? ये पैनामा लीक्स के ऊपर लड़ रहे हैं। देखिए बड़ी अफसोस की बात है, ये अमेरिकन पैनामा लीक्स का भी इशू खत्म होना चाहिए ना। इस इशू को लेकर मुल्क में और बहुत सारे मसाइल हैं, कोई दूसरे मसाइल की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता है। पैनामा लीक्स का मसला हल होना चाहिए। मुझे एक ब्रेक लेने दें, हम भी ब्रेक कर पैनामा लीक्स पर बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदे डॉक्टर साहब। जब लास्ट वीक हम अपने प्रोग्राम में डेडलॉक की बात कर रहे थे कि छठे इजलास के बाद भी कुछ नहीं निकला, टीओआरएस बने ही नहीं, मुश्तरका इनका कोई फैसला नहीं हो सका, तो लगभग आपके भी और इलाली साहब के यही कमेंट्स थे कि अगला जब सातवां इजलास होगा, सातवीं सिटिंग होगी, तब भी इसमें से कुछ नहीं निकलेगा। और वही हुआ, सातवां इजलास भी बेनतीजा खत्म हुआ। अब इनका जो अगला इजलास है वो ट्यूजडे को होने जा रहा है, तो हुकूमत कह रही है कि ऑपोजिशन नहीं चाह रही है, वो रुकावट बन रही है, वो डेडलॉक नहीं खत्म कर रही है। ऑपोजिशन कह रही है कि हुकूमत रुकावट है। आखिर किसकी वजह से ये डेडलॉक टूट नहीं पा रहा है? नहीं, डेडलॉक नहीं है, ये डेड है। एक चीज जो खत्म हो चुकी है ना, उसको वो बस उसके उसको उसका ऐलान कौन करेगा? यानी फैसला ये हो रहा है कि ऐलान किसने करना है कि जी वो जो टी ओ आर कमेटियों के जो सारे मामलात थे वो खत्म हो गए, ये ऐलान होना बाकी है सिर्फ। ये किस्सा तो खत्म हो चुका है। बात यह है, इससे दूसरी जो खौफनाक चीज है, तो इजलासों में से क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर ये टी ओ आर बनते तो मामला अदालत में जाता, चूंकि टी ओ आर नहीं बन रहे तो मामला अदालत में नहीं जाएगा। अदालत में नहीं जाएगा, आज अगर आप हुकूमती वज़रा के बयानात, अगर आपने शाम को उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज काफी दिनों के बाद उन्होंने बात की है, वो कह रहे हैं हमारी हुकूमत गिराने के लिए साजिश हो रही है। और वही लोग जिन्होंने 2014 में इससे पहले धरना प्लान किया था, वो यानी टीओआर अब पनामा लीक साइड पे चली गई, वो एक हाथ आगे जाके अभी कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत गिराने की साजिश हो रही है, और साजिश में बिल्कुल वैसी ही हो रही है जैसे 2014 में हो रही थी। तो मेरा ख्याल है कि हम आइंदा भी अगर 15 दिन बाद बैठेंगे तो उस वक्त टीओआर खत्म हो चुके होंगे, कोई फायदा लेकिन हुकूमत अब एक ऑप्शन पर गौर कर रही है कि एक बार फिर से खुद से टीओआर बनाकर जुडिशियल कमीशन में भेजे जाएं, जो चीफ जस्टिस ने तहफुजात का इजहार किया था, अब उनको दूर करके दोबारा से जो टीओआर बनाकर जुडिशियल कमीशन को भेजे जाएं। अब हुकूमत इस ऑप्शन पर गौर कर रही है कि ऑपोजिशन को साइड पर एक लीडर बनाकर भेजे, उसके लिए उसको तो ऑपोजिशन मानेगी। उसको इमरान खान तो ऑलरेडी कह चुके हैं ना कि हम तकरीबन हमारी तरफ से बात खत्म समझे। एतजाज अहसन ने फैसला करना है कि एतजाज अहसन कहां खड़े होते हैं, पीपल्स पार्टी ने फैसला करना है खुल के कि क्या पीपल्स पार्टी सड़कों पे आती है या इसको पार्लियामेंट में तय करती है। ये मामला पार्लियामेंट में बिलावल साहब का है, ये भी क्लियर कर दें, क्योंकि खुर्शीद साहब कुछ कहते थे, बिलावल साहब कुछ कहते थे। नहीं, अब मेरा ख्याल से काफी हद तक जो हमने कल या परसों बयान सुना, जरदारी साहब ने भी कहा कि खुर्शीद शाह साहब आप जो है टी ओ आर पे सख्त मौकफ अख्तियार करें, लेकिन बात सारी यह है कि ये मामला पार्लियामेंट में ही हल हो। पार्लियामेंट में नहीं हल हो तो सुप्रीम कोर्ट इसको हल करे। सड़कों पे अगर बात आ गई तो देखिए हालात तो देखिए, अब रीजन के मुल्क के दहशतगर्दी के खतरात, लोग ये जब से ये इस्लामी नजरियाती काउंसिल की एक बात, उसके बाद अब देखें बच्चियों को तेजाब फेंक के कोई जिंदा जला रहा है, कोई किस तरह कर रहा है, ऑनर किलिंग्स हो रही है। आप जरा मुल्क के हालात तो देखिए, कहां खड़े हैं मुल्क, कहां खड़ा है मुल्क इस वक्त? क्या मुतहम्मिल हो सकते हैं हम कि हजारों लाखों लोग बाहर निकले सड़कों पर, या जितने भी निकले, और गवर्नमेंट खुद कह रही है कि निकले हम इसे निपट लेंगे दोबारा। यानी बजाय इसको पोलिटिकली रिजोल्व करें, वो कह रहे हैं हम निकलेंगे, हम देख लेंगे इनको, ये दोबारा निकले। ये कमाल स्ट्रेटेजी है। और मैं आपको ये बताऊं कि ये भी बात कुछ लोग कह रहे हैं हुकूमती वुजरा कि जी क्या होगा इसके नतीजे में, अगर सड़क पे आ जाएंगे लोग तो हो सकता है तो फिर हम इलेक्शन का ऐलान कर देंगे, अगले साल इलेक्शन होगा और वो सारे वादे जो 2018 के लिए हमने किए थे हम कहेंगे जी हम इसलिए पूरे नहीं कर सके कि ये हमारी हुकूमत गिराने लोग आ गए थे, और हमारे लिए इलेक्शन का ऐलान कर देंगे, जो कि इंतहाई फजूल स्ट्रेटेजी है।
हुकूमत इसका मतलब इसमें भी फायदे नहीं, में रहेगी। ये वो सोच रहे हैं ऐसा नहीं होगा, ऐसे कैसे हो सकता है कि यानी आप अर्ली इलेक्शन कॉल करके ये कहेंगे नहीं लोग सड़कों पे आ गए हम इलेक्शन कॉल कर रहे हैं और हमारे वादे इसलिए पूरे नहीं हो सके कि हमें एक साल और नहीं मिला। ये जी देखिए पहली बात तो ये है कि हम इस ऐसे मौके पे हम ये सड़कों पे आना और इस किस्म का सिनारियो अब टॉलरेट नहीं हो सकता है। अगर ये होगा तो मेरा ख्याल में कि पाकिस्तान इतना कमज़ोर लगेगा कि मैं तो समझता हूँ कि वी माइट हैव फॉरेन इंटरवेंशन। मेरे अपना ख्याल ये है कि अमेरिकन और जो भी है हमारे चीनी दोस्त भी बड़े घबरा सकते हैं ऐसे सिनारियों से। दूसरी बात ये है कि मैंने तो ये सुना है कि गवर्नमेंट का सबसे बड़ा वरी ये है कि नहीं कि पॉलिटिकल पार्टीज उनके खिलाफ हैं, गवर्नमेंट इस चीज़ से वरी कर रही है कि किंग्स पार्टी बन रहा है कि ये किंग्स पार्टी ना निकल आए और उस किंग्स पार्टी का जो आदमी आएगा आगे वो भी लोग पहचानने लग गए। हालांकि मुझे किसी ने कहा है कि हालांकि वो जो है वो चौधरी निसार के बारे में लोग बात कर रहे हैं उनके पीछे भी कोई ऐसा आदमी है जो वो भी आ सकता है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान इस हालात में वी कैन स्टैंड ट्रबल और अगर गवर्नमेंट और ऑपोजिशन का अग्रीमेंट नहीं हुआ और अगर किसी तरफ इशारा करें जरा नाम तो बताएं ना खुल के शहबाज शरीफ साहब की तरफ इशारा है आपका, कहां पे इशारा है, कौन आदमी है? कोई ना कोई किसी को भी छोड़ के जा सकता है और हुआ भी है। आपने देखा होगा पहले वो चौधरी तो भाग गए थे, एक उनका इंटीरियर मिनिस्टर था वो कसम वसम खाता था कि मैं कभी नहीं जाऊंगा, वो भाग के प्राइम मिनिस्टर, वो तो फिर कहते का प्राइम मिनिस्टर उनका बन गया ना वो, या प्रॉपर प्राइम मिनिस्टर मुशर्रफ साहब के बन गए। देखिए बात असल ये है कि ये नहीं हो सकता। अगर कोर्ट्स जिनकी जिम्मेदारी है पाकिस्तान, आखिर यार कोर्ट्स की तो भी कुछ जिम्मेदारी है, कुछ तो करो। क्या बड़ी बात है टीओआर फोन करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट आए और अपने टीओआर करना चाहिए क्या? आप देखिए शाजिया सीधी बात है, हमारा इकोनॉमी तबाह हो रहा है, हमारा सबसे बड़ा खौफ और डर है हमारे बॉर्डर्स पे, वेस्टर्न बॉर्डर ईस्टर्न बॉर्डर हर लोग हमारे पीछे लगे हुए हैं। अब आप समझते हैं कि हम सड़कों पे आके बैठ जाए और किसके लिए? और ये आप यकीन करें कि ये पीपीपी जो है, आपने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब, ये पीपीपी जो है अभी तक फैसला नहीं किया है कि क्या वाकई ये गवर्नमेंट के खिलाफ है या गवर्नमेंट के साथ है। इसलिए कि पीटीआई तो जा रहा है सड़कों पे, वो तो हो गया है, वो फैसला हो गया है। अब पीपीपी अगर चले जाए तो फिर कोई ऑपोजिशन, मैंने फिर तो गवर्नमेंट का कोई चारा ही नहीं है, यू हैव टू फाइट ऑन द स्ट्रीट्स। मगर पीपीपी मेरे ख्याल में नहीं जाएगा। जरदारी देखिए ये क्या आप केसेस खोलेंगे सबके खिलाफ? अच्छा एक छोटी सी बात, ये कहते हैं कि जी जो लोग कर्ज लेके डेट राइट ऑफ हुआ है, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, आपने एक सर्कुलर पढ़ा है उसका नाम है सर्कुलर 29, ये किसके वक्त इश्यू हुआ था ना? ये मुशर्रफ के जमाने में। ये सर्कुलर क्या कहता है? ये सर्कुलर कहता है कि जो कंपनी बहुत कर्ज ले ली है और वो कर्ज नहीं फेंट सकी और इंटरेस्ट और क्या कहते हैं इंटरेस्ट इतना हो गया है कि वो कर्ज वो पे नहीं कर सकता है, देन द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अलोंग विद द बैंक इन क्वेश्चन बैठ के फैसला कर सकता है कि वो कंपनी पे अगर बोझ कम किया जाए तो वो कंपनी फिर वो कर्ज फेंट सकता है कि नहीं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सर्कुलर। इन अदर वर्ड्स, अगर आपके पास इतना सूद और इतना बिकॉज ऑफ सर्टन व्हाटएवर द रीजन हो गया है कि आपका कंपनी इतना नहीं रीपे कर सकता है, मगर अगर आप फिर शुरू करें काम पे कर सकता है, तो उस सर्क्यूलर के तहत इशरत हुसैन भी था उस वक्त, उस सर्क्यूलर के तहत बहुत सारे कंपनीज हैं जो स्टार्टेड फंक्शनिंग अगेन, ठीक है, मगर वो भी एक डेट राइट ऑफ है। क्या आप वो भी राइट ऑफ के लिए लोगों के ट्रायल्स करेंगे जो एक सर्कुलर में इजाजत दी गई थी एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को करने के लिए? ये देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन शामिल है। मुझे ब्रेक लेने दें, नाज़रीन वापस आते हैं, छोटे से वक्त हमारे साथ रहें। ब्रेक के बाद खुश आमद। डॉक्टर साहब, हुकूमत कह रही है कि ऑपोजिशन की सुई तो सिर्फ वज़ीर आज़म और उनके खानदान पर अटकी हुई है, तो ठीक है,
तो माजी के भी तमाम जो सदर और वज़ीरे आज़म थे उनको कटहरे में लाकर खड़ा कर लें और बाकी तमाम काम छोड़ दें। तो हुकूमत ये इनडायरेक्टली क्या मैसेज दे रही है अपोजिशन को कि ना आप हमें छेड़ें ना हम आपको छेड़ेंगे? नहीं देखें, इसमें मुझे मेरा ये ख्याल है कि इसमें एहतसाब, प्रॉपर एहतसाब में जिसको अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी कहते हैं, उसमें बहुत कम लोग इंटरेस्टेड हैं। अशराफिया या जिनको मैं बदमाशिया कहता हूं, उनमें बड़े कम लोग इंटरेस्टेड हैं अक्रॉस द बोर्ड। और ये बात पहले भी हम कर चुके हैं, वो कहते हैं कर्जा माफी की लिस्टें भी लाओ, वो कहते हैं कि पनामा लीक्स वालों को लेकर आओ। ये तो एक कंपनी है, देखिए एक कंपनी है, बाकी भी तो हजारों कंपनी है जो ऑफशोर कंपनियां बना के बैठी हैं, उसमें पता नहीं कितने पाकिस्तान और कौन कौन से लोग उसमें मौजूद हैं। बात सारी ये है कि लेकिन लोग, पब्लिक जो है, अवाम इस वक्त एक खास उनका जेन बन चुका है। हिलाली साहब अभी जो एक स्ट्रेटेजी की बात कर रहे थे, एक पेपर जो है इंडिया से, बड़ा पढ़ने वाला पेपर है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को खत्म कर दें, पाकिस्तान के आप पानी को कंट्रोल करें, इकोनॉमिकली इनको हिट करें। आपका मुल्क, हम आप क्यों डिपेंडेंट हैं दुनिया के? ये होती है ना कि पैसे मांगने तो हमारे पास आ जाते हैं, बंद कर दो इनका पैसा, बंद कर दो इनका पानी, बंद कर दो इनके वीजे, बंद कर दो रोटी। आप माशी तौर पर कमजोर। अगर आपने इस दफा अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी नहीं की, फर्ज करें, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मेरे मुंह में खाक, मेरे मुंह में खाक, पाकिस्तान का बतौर एक रियासत वजूद खतरे में पड़ चुका, ऑलरेडी पड़ चुका है कि आपके अंदर अंदरूनी खाना जंगी भी हो रही है, आपके अंदर दुश्मन भी घुसा हुआ है, आपके खारजा पॉलिसी बर्बाद हो चुकी है मुकम्मल तौर पे, और उसके बाद आप लूटते जा रहे हैं मुल्क को, लूटते जा रहे हैं, लूटते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। अभी सूबों के बजट आ रहे हैं, अभी जनाब पता नहीं खुदा जाने क्या क्या अनाउंस होगा, क्या क्या इश्तहारों पर इश्तहार चल रहे हैं पूरे, और ये सारा पैसा बाहर जा रहा है और गलत आदाद शुमार दिए गए। ये हम पिछले प्रोग्राम में भी बात कर चुके हैं, गलत आदाद शुमार बजट में पेश हुए। क्या कोई मुल्क इस तरह चल सकता है? क्या कोई रियासत चल सकती है इस तरह? और कितने दिन? ये लोगों को फैसला करना है, ये सियासतदान हो, अदारे हो, जुडिशरी हो, ये अगर मुल्क रखना है आपने, अल्लाह ने आपको दिया है, आप इसको रखें, वरना कानून कुदरत, बड़े बड़े मुल्क, ये आपके सामने हो रहा है ना सारा मशरिक वस्ता में, आपने मुल्क को बचाना है, आप खारिजा पॉलिसी बनाएं, आप दिफा की पॉलिसी बनाएं, आप दाखला पॉलिसी बनाएं, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करें, अक्रॉस द बोर्ड आपका मतलब है माजी का गंदगी साफ किया जाए, बिल्कुल किया जाए अक्रॉस द बोर्ड। देखिए नहीं होगा, आपको पता है लोगों में ऑलरेडी कितनी बदती, वाहिद लोगों को उम्मीद है कि शायद इस दफा इत्तेसाब हो जाए। अगर ये लोगों की उम्मीद खत्म हो गई इस दफा, पहले ही आपके ताजे ऑपोजिशन और हुकूमत की टीआरएस पर आपको लगता है कि एहतसाब हो सकता है, वो भी अक्रॉस द बोर्ड, वो टीआरएस बन इसीलिए नहीं रहे, कंसेंसस इसलिए नहीं हो रहा, और ऑपोजिशन कौन सी है कौन सी नहीं है, बात मैं पहले भी कह चुका हूं, वो भी नहीं, कोई नहीं चाह रहा, लेकिन लोग चाह रहे हैं, अवाम पब्लिक का भी तो एक पोस्चर है ना, कैसे एक अशराफिया जनूब की तरफ जा रही हो और बाकी लोग जो है शुमाल की तरफ जा रहे हो 20 करोड़, ऐसे कैसे मुमकिन है? तभी तो मुल्कों के अंदर खुदा ना खासा बगावतें होती हैं, लोग फटते हैं, फिर एक दिन सड़कों में आते हैं, निकलते हैं। फ्रांस में क्या हुआ था, मिस्र में क्या हुआ था, फेंक दिया था उसने मुबारक को उठा के। बात यह है सारी कि अगर आपने लोगों को इत्मीनान सकून से रखना है, मुल्क चलाना है, तो आपको अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करेंगे तो आप करा लें 50 इलेक्शन, करवाते जाएं, वो तो फिर अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी तभी हो सकती है, करवाते हैं, मुल्क नीचे जा रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट खुद अपने टीआरएस बना ले, जफर हिलारी साहब सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे तो अक्रॉस द बोर्ड सबकी अकाउंटेबिलिटी हो सकती है और माजी का गन भी साफ हो सकता है। देखिए अफसोस से ये कहना पड़ेगा कि इस वक्त कोशिश ये पूरा है कि इस किस्म का कानून बने, इस किस्म का लेजिस्लेशन पास हो जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब और को एक तरीका, रास्ता मिल जाए टू एस्केप। मैंने आपको पहले दिन से कहा है, इसलिए कि आप यकीन करें कि हम, जब मैं बीबी के साथ 1993 से 1996 तक काम किया था और इनकी दुश्मनी जो थी उस वक्त कौन, नवाज शरीफ साहब की और पीपीपी की, नवाज शरीफ साहब के भुट्टो जरदारी की खासी उरूज पे थी। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि उस वक्त इन्होंने, दोनों साइड्स ने, एक वो एहतसाब रहमान आया था और दूसरे साइड में जो दो भी लोग थे, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी एक एक के बारे में पता करने कि क्या क्या इन्होंने इल्लीगल काम की थी, ब्लैक मनी किया था, चोरी किया था, जो भी है, और काफी इन्होंने एक एक के बारे में निकाला। इस हद तक कि जैसे मैंने आपको पहले इस चैनल पे भी कहा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को पता था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान
ने किस अकाउंट में कितने पैसे लिए हैं और किस लिए, किस बजे वो लिए थे। मैं नाम नहीं लेना चाहता लोगों को, मगर इतना मैं आपको बता सकता हूँ। कहने की बात सिर्फ ये है कि ये सब पता था कि ये पैसे जो हैं फ्लैट्स के कैसे गए हैं, कितने गए हैं, कैसे गए। अब अगर ये बात अब निकल आई है, और जैसे हमने बहुत दफ़े कहा है, हमने नहीं निकाला, ऑपोजिशन ने नहीं किया, ये तो अचानक इत्तेफाकन निकल आई है पैनामा लीक से। अब कैसे हो सकते हैं कि वो जो फैक्ट सब पता है वो फैक्ट्स को डिनाई किया जाए। जफर इलाली साहब, मेरे साथ इस वक्त मुस्लिम लीग का, और अगर वो फैक्ट्स आ गए तो मैंने पहले कहा जो ऑपोजिशन की जानिब से घर से नहीं, टीआरएस कमेटी का हिस्सा है वो, मिस्टर तारिक बशीर चीमा मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं, जो टीआरएस कमेटी का हिस्सा है ओपोजिशन की जानिब से, उनसे बात कर लेते हैं। तारिक बशीर चीमा साहब, क्यों ये डेडलॉक टूट नहीं रहा है, क्यों ये डेडलॉक बरकरार है? डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं कि ये डेड हो चुका है सब लोग, डेडलॉक तो तब होता है जब कुछ उम्मीदें बाकी हों, किसकी वजह से जो डेडलॉक खत्म नहीं हो रहा है? हुकूमत कह रही है कि आप लोग रुकावट बन रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि हुकूमत नहीं चाह रही है एहतसाब हो, वजह क्या है, क्या आप लोगों के दरमियान रुकावट है? जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इशू डेड हो चुका है, वो तो ऑलमोस्ट डेड हो ही चुका है, इसलिए कि जब हुकूमत ने पेशरफ्त ही नहीं करनी, पेशरफ्त होने नहीं देनी। ये जो मुख्तलिफ क्यास रही हैं, इनमें से मैं इस बात पर कतई इत्तफाक नहीं करता कि शायद अपोजिशन नहीं चाहती कि इसमें पेशरफ्त ना हो। हम बड़े खुले जहन से, खुले दिल के साथ वहां पर बैठे हैं, ये सोचकर बैठे हैं कि काश एक दफा कम अज कम एहतसाब हो जाए। रुकावट किस पॉइंट पर आकर, रुकावट इस पॉइंट पर है कि हमने उन्हें कहा है कि पनामा लीक जो है, पनामा पेपर्स जो लीक हुए हैं, ये कोई अपोजिशन की कारस्तानी नहीं है, किसी और की कारस्तानी नहीं है, ये मॉरली एक मॉरल अथॉरिटी चैलेंज हुई है पूरी मुमलकत पाकिस्तान की। प्राइम मिनिस्टर की मॉरल अथॉरिटी जीरो हो गई है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर वॉलंटियर कर चुके हैं दो दफा कौम से खिताब में, एक दफा पार्लियामेंट में खिताब से। अब वो कहते हैं जी कि प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं है, उनके बच्चों का नाम है। भाई अगर उनके बच्चों की उम्र उस वक्त 13 साल 14 साल थी, और 2013 में प्राइम मिनिस्टर डेविड दे रहे हैं कि मरियम नवाज साहबा जो है वो उनकी डिपेंडेंट है, तो असल इशू तो पनामा लीक से शुरू हुआ है। तो आप पनामा लीक्स पे, इन्हीं टीओआरएस पे जो हम प्राइम मिनिस्टर के लिए डिमांड कर रहे हैं, आप उन्हीं पे बाकी तमाम हजरात का भी उन्हीं टीओआरएस के ऊपर आप अकाउंटेबिलिटी शुरू कर। अब इसमें ये सॉर्ट ऑफ हुकूमत चूंकि समझती है कि कहां कहां पे बदनवानी हुई है, अभी जफर अलाली साहब भी फरमा रहे थे, अभी डॉक्टर शाहिद मसूद साहब भी फरमा रहे थे कि कोई एक करप्शन का केस तो है नहीं। और उसके बाद अब मजे वाली बात मैं आपको बताऊं, मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि मैं उस कमेटी का मेंबर हूं, वहां पर एक वजीर साहब कहने लगे कि अगर आपने तहिया कर ही लिया है कि आपने सियासतदानों को बेइज्जत करवाना है तो आपकी मर्जी। मैंने कहा भाई सारा दिन सियासतदान गालियां खाएं, सारा दिन सियासतदान बदनाम हो, और अगर ये 10%, 20%, 30% गंदी मछलियां अगर पूरे तालाब को गंदा कर रही हैं तो भले इसमें अगर कोई एक्सपोज होता है तो होता फिर हमारा इंटरेस्ट सिर्फ। तो क्या ये बात दुरुस्त है कि ऑपोजिशन में भी अब इख्तलाफात नजर आ रहे हैं? शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि आइंदा इजलास में हम नहीं बैठेंगे, इसका कोई फायदा नहीं है। एएनपी कहती है कि हम बैठेंगे, कुछ इख्तलाफात है ऑपोजिशन में? उन्होंने ये नहीं कहा कि हम नहीं बैठेंगे, उन्होंने ये कहा है कि बैठने का कोई फायदा नहीं आ रहा, और ये हम भी इससे इत्तफाक करते हैं, इसलिए इत्तफाक करते हैं कि हुकूमत कैसे अपने डेथ वारंट पे साइन करे। इन टीओआर का मतलब ये है कि हुकूमत को पता है कि वो क्या करते रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को पता है कि मनी ट्रेल जो है। तो फिर इसका हल क्या है आप लोगों के मुताबिक? अगले इजलास में बैठने का फायदा नहीं है, जाहिर है फिर टीओआर बनेंगे नहीं, तहकीकात कैसे होंगी, तो हल क्या है फिर इसका? देखें जी, गवर्नमेंट साइड की रिक्वेस्ट के ऊपर के जी आप हमें जो आपने ये प्रपोजल्स जो गवर्नमेंट ने हमें दी थी, हमने स्ट्रेट वे इन टोटैलिटी हमने रिजेक्ट कर दी थी मीटिंग में बैठ, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। और उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा जी कि नहीं जी आप भी इसमें सोच। तारिक बशीर चीमा साहब से लाइन कट गया, वक्त भी कम रह गया। अगर ऑपोजिशन ये समझ रही है कि अगले इजलासों में बैठने का फायदा नहीं है, मंगल को फिर एक इजलास होने जा रहा है, तो उसमें से फिर क्या निकलेगा, फिर इसका हल क्या है, तहकीकात कैसे होंगी फिर? नहीं देखिए, पहली बात तो यह है कि ऑपोजिशन क्या है, मैं अभी तक मुझे इल्म नहीं है।
अपोजिशन पीपल्स पार्टी है, पीटीआई है, एनपी है, काफ लीग है, ये एनपी भी है ना, एनपी का तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू है, उसमें इमरान खान कुछ और कह रहे हैं, तो एनपी को मैं उनके जितने नुमाइंदों को मैं सुन रहा हूँ तो वो तो पीटीआई को गालियां दे रहे हैं इस वक्त, और मुझे नहीं पता ऑपोजिशन के अंदर क्या कितने क्रैक्स आते हैं क्या नहीं आते। मेरा ये अपना ज़ाती ख्याल ये कि इमरान खान पीपल्स पार्टी का एक हिस्सा कम से कम बिल्कुल क्लियर है, जिसको एतजाज अहसन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुस्लिम लीग काफ बड़ी हद तक मुझे क्लैरिटी नजर आ रही है, और बाकी मुझे नहीं पता ऑपोजिशन में 8 जमातें 9 जमातें, और बात सुने लोग ज्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं है। जब पहले ही पता हो आपको, मुझे आप ये बताएं, आपको पता हो शाजिया की एक फिल्म फ्लॉप है, पिटी हुई फिल्म है, और क्या आप उसको देखने जाएंगे? मैं नहीं देखने जाऊंगी। यानी एक मुझे एक पता है कि एक यानी वो खुद कह रहे हैं तारिक चीमा साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब कि बैठने का फायदा नहीं है, लेकिन हम बैठेंगे। जब आपको पहले रिजल्ट पता है कि कुछ नहीं होना तो क्यों बैठेंगे, मेरा तो ये सवाल है ना। तो बात यह है कि जब आपने तय कर लिया कि फेल हो, पहले ही फेल होना तय है कि फेलियर है, मगर हाँ तो ऐसे फ्रूटलेस। चले मंगल को इजलास है, तो मंगल को भी लगता है कि टीवी प्रोग्राम में यही डिस्कस हो रहा होगा कि 8वां इजलास भी बेनतीजा खत्म हो गया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, जफर लाली साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन नाइट एडिशन से शाजिया ज़ीशान को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल, अल्लाह हाफ़िज़।